बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 4 एंड चैप्टर नंबर इज 7। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम क्लास वर्क करेंगे। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर साइंस की नोटबुक रेडी करें। तो डे है आज मंडे 25 जनवरी 2021। आप डे डेट मेंशन करेंगे, मार्जिन लाइंस अच्छे से ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे, और पेज नंबर 61 है, ठीक है। टॉपिक नेम है फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, तो आज हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। नंबर वन है डैश मीन्स पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज। कौन सी चीज़ जो है वो पेज पे पोजिशन, टेक्स्ट की पोजिशन को शो करती है? अलाइनमेंट, ठीक है। नंबर टू है डैश टेक्स्ट अपीयर्स अबव द लाइन। कौन से टेक्स्ट जो हैं वो अबव द लाइन अपीयर होते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। नंबर थ्री है डैश मीन्स टेक्स्ट अपीयरिंग बिलो द लाइन। कौन से टेक्स्ट जो हैं वो बिलो द लाइन अपीयर होते हैं? सबस्क्रिप्ट। नंबर फोर है ऑन क्लिकिंग द फॉर्मेट पॉइंटर द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू डैश। हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पॉइंटर पे तो माउस पॉइंटर जो है वो टर्न किस तरफ में होगा, किस साइड में होगा? पेंट ब्रश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने फिल इन दी ब्लैंक्स अच्छे तरीके से राइट करनी है और जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बुक पेज नंबर 62। टिक द करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टकट कॉम्बिनेशन टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज। वो कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है जो हमारे टेक्स्ट को इटैलिक में चेंज कर देता है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई एंड कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी जो है वो बोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और कंट्रोल प्लस आई हम इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नंबर टू है डैश मीन्स चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। कौन सी चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाती है? सेलेक्टिंग, एडिटिंग या फिर फॉर्मेटिंग। तो सेलेक्टिंग मीन्स कि हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किस तरह से करना है, एडिटिंग मीन्स कि हमने उसमें चेंजिंग किस तरह से लेकर आनी है, लेकिन फॉर्मेटिंग हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नंबर थ्री, देर आर डैश टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाइड इन एमएस वर्ड। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग की? आया वो टू है, थ्री है या फिर फोर? तो वो हमारे पास एग्जैक्ट टू है। डैश फॉर्मेटिंग इज़ एप्लीकेबल टू सेलेक्टेड टेक्स्ट ओनली। कौन सी फॉर्मेटिंग जो है वो एप्लीकेबल होती है सेलेक्टेड टेक्स्ट में? करेक्टर, न्यू या फिर सिंपल। न्यू में हमारे पास कोई भी हो सकता है टेक्स्ट, सिंपल में भी हम किसी भी टेक्स्ट को ले सकते हैं, लेकिन करेक्टर फॉर्मेटिंग हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है। नंबर फाइव, शॉर्टकट कॉम्बिनेशन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज। वो कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड में चेंज करता है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल प्लस बी, जो कि बोल्ड के लिए यूज़ होता है। नंबर सिक्स, वी कैन कीप सेविंग द चेंजेस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग। हम जो है वो किस तरह से सेव कर सकते हैं चेंजेस को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? किस की को यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एस को, कंट्रोल प्लस वी को या फिर कंट्रोल प्लस जे को? तो कंट्रोल प्लस जे हम जस्टिफाई के लिए यूज़ करते हैं और वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, एंड देन कंट्रोल प्लस एस जो है इसको हम अपना डाटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी रिवीजन वर्किंग है, क्योंकि हम इस चैप्टर को कम्प्लीट कर चुके हैं, तो आज हम जो है वो रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर की। तो इसको आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट है आज की डायरी। लर्न बुक पेज नंबर 61 एंड 62 प्लस राइट फिल इन द ब्लैंक्स ऑन नोटबुक। आपको जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाई हैं आपने इसको नोटबुक पे राइट करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।